हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू चैनल। माय नेम इज हर्षा बोड़के और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के मेंटेनेंस के बारे में। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एक यहाँ पे पैशन प्रो खड़ी है और इधर में हीरो इलेक्ट्रिक फ्लैश खड़ी है। तो ये अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल है और ये जो है अपना पेट्रोल व्हीकल है। तो दोनों में मेंटेनेंस में क्या डिफरेंस होता है, साथ ही साथ में इलेक्ट्रिक व्हीकल में मेंटेनेंस क्या होता है, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो चलिए चालू करते हैं आज का वीडियो। ओके गाइस, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का मेंटेनेंस जानने के लिए हमें पहले ये जानना पड़ेगा कि उसके अंदर कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो उसमें होती है मोटर, बैटरी, कंट्रोलर, सस्पेंशन सिस्टम, उसके बाद में स्विचेस, उसके बाद में फिर ब्रेक्स होता है उसमें, साथ ही साथ में उसमें फिर इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस होते हैं, आपका चार्जर। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल में इन सब चीज़ों का मेंटेनेंस होता है। इसी के जगह पे अगर हम जो कन्वेंशनल व्हीकल्स हैं उनकी बात करें तो उनमें कैसा होता है, मेनली होता है इंजन, उसके बाद में फिर उसी के साथ में होता है कार्बोरेटर, हमारा फ्यूल सप्लाई सिस्टम, इग्निशन कॉइल्स होती है, उसी के साथ में सस्पेंशन सिस्टम होता है जो कि काफ़ी हेवी होता है, और नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं इसमें। तो मेंटेनेंस हमें इन सब चीज़ों का करना होता है, और इंजन जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है। आप अगर एक इंजन की बात करें तो उसमें पिस्टन, सिलेंडर, पिस्टन रिंग्स होती है, साथ ही साथ में फिर वॉल्स होते हैं, वॉल टाइमिंग होती है, गियर बॉक्स होता है, साथ ही साथ में आगे पीछे में चेन स्प्रॉकेट होते हैं, उसको ड्राइव कराने के लिए व्हीकल का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हेवी ब्रेकिंग सिस्टम होता है। तो इन सब चीज़ों का हमें मेंटेनेंस कराना होता है। व्हीकल का वेट ज़्यादा होने के कारण जो हमारे बेयरिंग्स वगैरह है उस पर भी काफ़ी लोड आता है, तो हमें कुछ स्पेसिफिक ड्यूरेशन के बाद में जब वो बेयरिंग वर्न आउट हो जाता है तो वो भी हमें चेंज करना होता है। नो डाउट ये तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल में भी हमें करना होता है चेंज, लेकिन जो लाइफ साइकिल वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में काफ़ी ज़्यादा होती है, ये हमने अभी तक ऑब्जर्व किया है। पेट्रोल व्हीकल है उसमें भी कैसा भी जो कंज्यूमेबल्स है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कंज्यूमेबल्स में आपको इंजन ऑयल चेंज करना है, उसके बाद फिर एयर फिल्टर चेंज कराना है, चेन लुब्रिकेशन कराना है, साथ ही साथ में कंप्लीट अगर डर्ट वगैरह उसमें आ जाता है तो वो कंप्लीट क्लीन कराना है, तो वो सब चीज़ें मेंटेनेंस में आ जाती है, तो उसमें लेबर भी काफ़ी ज़्यादा हमारा कंज्यूम हो जाता है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में मेनली क्या होता है, हमें हमारे पास बैटरी है, हमारे पास कंट्रोलर, उसके बाद में फिर मोटर है। तो इसमें मेंटेनेंस में हमें सबसे पहले बैटरी का वोल्टेज एंड उसका करंट रेटिंग चेक करना है, उसके बाद में फिर उसमें CDC होता है, चार्ज डिस्चार्ज चार्ज, तो वो रेट हमें चेंज चेक करना होता है। तो उसमें लगभग 2 दिन का समय लगता है, लेकिन लेबर कॉस्ट है उसका 250 रुपीज़ ये लोग चार्ज करते हैं, जो कि मैंने हीरो के सर्विस सेंटर में पूछा था। ओके, तो ये एक चीज़ बैटरी के लिए हो गई। उसके बाद में फिर और एक चीज़ बैटरी के लिए करना होता है, अगर आप VRA रेटेड बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हमें बैटरी रोटेट कराना होता है। तो ऐसे कंडीशन में हमें कुछ स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए, फिर कुछ समय के लिए जब हम लोग व्हीकल चला लेते हैं तो वो हमें रोटेट कराना होता है, क्योंकि उसमें वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है, तो उसके हिसाब से फिर वो एक मेंटेनेंस में हमारा ऐड हो जाता है। तो वो बैटरी के लिए वो चीज़ हो गई। उसके बाद अगर हम कंट्रोलर की बात करें तो कंट्रोलर में कैसा होता है, उसमें हमें ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें सिर्फ हमें कनेक्शंस चेक करना प्रॉपर है या नहीं है, कहीं पे वायर्स ख़राब हो चुके हैं या फिर कहीं पे वायर कहीं पे स्पार्क वगैरह हो रही है, या फिर कनेक्शंस प्रॉपर है कि नहीं है, वो सब चीज़ें हमें चेक करना होता है। उसके बाद में फिर आते हैं मोटर पे। तो मोटर पे मेनली क्या होता है, मोटर के जो बेयरिंग्स है, बेयरिंग्स जाने के चांसेस होते हैं, उसमें आवाज़ आ रहा है, बेयरिंग्स में आवाज़ आ रहा है, तो उसके कारण उसे पहले ग्रीसिंग करना पड़ेगा। अगर ग्रीसिंग करने के बाद भी अगर वो सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप डायरेक्टली उसे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा पेट्रोल व्हीकल में कंज्यूमेबल्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि इंजन ऑयल हो गया, एयर फिल्टर हो गया एंड चेन लुब्रिकेशन वगैरह हो गया, वो कंज्यूमेबल्स में हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल व्हीकल में कंज्यूमेबल्स में ऐसा कुछ है नहीं। इसमें ना ही ऑयल टॉपअप कराना है, ना ही ऑयल चेंज कराना है, ना ही एयर फिल्टर वगैरह लगाना है, वो सब चीज़ें है नहीं इसमें। लेकिन इसमें सबसे मेन चीज़ होती है बैटरी, जो कि अगर आप लिथियम आयन बैटरी वाला व्हीकल यूज़ कर रहे हो तो वो उसके ऊपर 3 साल की वारंटी होती है, और उसका लाइफ है नियर अबाउट 6 ईयर्स तक होता है एज़ पर द कंपनीज गाइड या फिर सजेशन। लेकिन अगर वो बैटरी ख़राब हो जाती है तो वो काफ़ी महंगी होती है, आज के टाइम में नियर अबाउट 35,000 की एक बैटरी है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। और उसी की जगह पे अगर हम VRA टाइप बैटरी की बात करें तो VRA टाइप की बैटरी का जो अगर 4 बैटरी का सेट हम लोग लेंगे 12 वोल्ट 24 एम्पियर का, तो वो नियर अबाउट 12,000 के आसपास जाता है। ये वैरी होता है सिटी टू सिटी, और साथ ही साथ में जैसे भी टाइम बीतते जाएगा तो वो प्राइस कम होते जाएगा। तो हमें सबसे बड़ा कंज्यूमेबल इलेक्ट्रिक व्हीकल में वो होता है बैटरी, आपको चेंज कराना है।
और ऐसा जब अगर मोटर की बात करें तो मोटर की लाइफ काफी अच्छी होती है। अभी बात करेंगे सस्पेंशन सिस्टम की, तो सस्पेंशन सिस्टम में यहाँ पे एक सील होता है, ऑयल सील होता है, तो वो आपको चेंज कराना पड़ेगा। जब वो लीक हो जाएगा तब भी चेंज कर सकते हैं। मैं तो वैसे ही प्रेफर करता हूँ, जब तक तो लीक नहीं होता है तब तक तो उसे चला लेता हूँ, क्योंकि चल जाता है वो, ऐसा कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं आता उसके वजह से। अगर ऑयल लीक भी हो जाए तो ऑयल लीक होने के बाद भी बहुत लोग 1-2 महीने तक उसे चला लेते हैं, उसके बाद में ही वो चेंज कराते हैं। लेकिन वैसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें ऐसा होता है ना, जो हमारे शॉकअप के रॉड है वो खराब हो जाते हैं, और अगर उस पर थोड़ा सा भी डेंट आ गया तो फिर वो ऑयल हमेशा लीक करेगा, तो आपको टोटल रॉड ही चेंज करना पड़ेगा। ये मेरे साथ एक बार हो चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सेम टू सेम पेट्रोल बाइक की बात करेंगे, अगर आपके पास टेलीस्कोपिक टाइप सस्पेंशन सिस्टम है आगे में, तो वहाँ पे भी आपको ऑयल सील चेंज कराना पड़ेगा। ये हेवी वेट के लिए डिज़ाइन किया है तो इसका ऑयल सील महंगा आता है, हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल का ऑयल सील सस्ता आता है। साथ ही साथ में कैसा होता है, जो हमारा इंजन है तो इसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें क्लच होता है, उसके बाद में फिर वॉल्व होती है, कैमशाफ्ट होती है, क्रैंक होती है, क्रैंकशाफ्ट होता है, पिस्टन होता है, सिलेंडर होता है। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होने के कारण कैसा है, इसमें वियर एंड टियर काफ़ी ज़्यादा होता है, जो कि प्रिवेंट करने के लिए हम लोग हमेशा इंजन ऑयल चेंज करते हैं। लेकिन अगर इनके गलती से आपने इंजन ऑयल सही ड्यूरेशन पे चेंज नहीं किया है, या फिर इंजन ऑयल की लेवल काफ़ी लो हो चुकी है, तो ऐसे कंडीशन में वियर एंड टियर और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और ऐसे कंडीशन में आपको जो इंजन मेंटेनेंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा खर्चा आ सकता है। उसमें आपको हो सकता है कि वॉल्व बेंड हो जाए, या फिर हो सकता है पिस्टन वन आउट हो जाए, सिलेंडर वन आउट हो जाए, तो आपको पिस्टन सिलेंडर चेंज करना पड़ेगा, और साथ ही साथ में क्लच प्लेट भी आपको हमेशा चेंज करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें उसके मेंटेनेंस में ऐड हो जाती। तो हम लोग दोनों भी व्हीकल्स को कंपेयर करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड पेट्रोल व्हीकल, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी कम होता है। ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता होगा तो लाइक बटन हिट करना ना भूले, साथ ही साथ में मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।